मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सेवेन और चैप्टर नाइनटीन सब्स मोस्टली अकोर्स इन पैचेज द प्लांट्स हैव थ्रोन थिक स्टेम्स लॉन्ग रूट्स वैक्स कोटेड लीव्स दिस फीचर्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर द मेन प्लांट आर डेट पाम डेट पाम कैक्टस थोनी बुसेस एंड कॉर्सिक ग्रास सम एशिया ट्रीज आर फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ डिजर्ट सब जो होता है वो अकोर्स पैचेज वो मतलब कुछ जमीन में कुछ कुछ दूरी पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे होता है ये द प्लांट्स हैव थ्रोनी जी ये जितने भी प्लांट्स होते हैं सब मतलब झाड़ियाँ ये जो होते हैं ये कांटेदार होते हैं थिक स्टेम होती है लॉन्ग रूट्स इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं एंड वैक्स कोटेड लिव्स मतलब इनकी पत्तियों में वैक्स मतलब मोम जैसा कुछ लगा होता है दिस फीचर प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर और इनकी पत्तियों में वैक्स कोटेड इसलिए होता है कि इससे इनकी मॉइस्चर्स ना खत्म हो द मेन प्लांट आर डेट पाम कैक्टस थ्रोनी बुशेस और जो इनके मुख्य रूप से जो पेड़ हैं जैसे डेट पाम है कैक्टस है नाखनी थ्रोनी काटेदार झाड़ियाँ ये हैं सम एशियास ट्रीज आर फाउंड कुछ एसकास जो पेड़ है वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर डिजर्ट्स में मिलते हैं टंड्रा वेजिटेशन वेजिटेशन फाउंड अराउंड द नॉर्थ पोल यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज ट्रा वेजिटेशन जो वनस्पति नॉर्थ पोल यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं उन्हें हम लोग टंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं दिस इज ट्री एरिया विद वेरी हार्स क्लाइमेट कंडीसन और ये उस तरह के मतलब पेड़ उस ऐसी वो होती है क्लाइमेट कंडीशन होती है कि वहाँ पर एक भी मतलब पेड़ नहीं पाए जाते हैं विंटर आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड वायल समर आर वेरी शॉर्ट एंड कोल्ड वहाँ की ठंडी जो होती है वो बहुत लंबी और ठंड होती है और जबकि गर्मी भी छोटी और बहुत ही ठंड होती है दिस रीज़न इज रेली ड्राई एंड आल्सो कॉल्ड द कोल्ड पोलर डिज़र्ट और इस ये जो रीजन होता है ये पूरी तरह से बिल्कुल सूखा होता है इसको आप लोग कोल्ड पोलर डिज़र्ट भी बोल सकते हैं प्लांट्स आर रेयर In this region, most of the plants are short and grow uh, close to the ground. Even the trees, which are found in the beds of lakes, streams are short. The main vegetation of uh, the tundra region is mosses, grasses, lichens, and dwarf shrubs. Some flower-bearing plants also do grow during the short summer season. <coughs> इन रीजन्स में पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं और जो अधिक जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बिल्कुल जमीन से लगे हुए होते हैं इवन द ट्रीज वर ट्रीज विच आर फाउंड इन द बेड ऑफ स्ट्रीम और जो पेड़ अगर पाए भी जाते हैं जैसे बेट्स ऑफ लेक या स्ट्रीम में वो बहुत छोटे होते हैं यहाँ के मेन वेजिटेशन जो है टंडरा रीजन के से ग्रास लिंचेस और डार्ब सब मतलब छोटी झाड़ियाँ और कुछ फूल के पेड़ भी हैं जो कि यहाँ पर उगते हैं जब यहाँ पर गर्मी का सीजन होता है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू एनिमल विच इज़ लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट और यहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्लांट एंड एनिमल्स आर फ्रेमली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट और यहाँ पर जो जानवर और पेड़ पौधे हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से किया गया है वाइल्ड लाइफ इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द आवर इन्वायरमेंट और जीव जंतु भी हमारे इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है द स्पेसीज ऑफ़ एनिमल आर रिकॉर्ड टू एस एजना और जो uh, क्या बोलते हैं? जीव जंतुओं की जो प्रजाति होती तो है उसको हम लोग पूरा बोलते हैं देयर इज़ अ क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ ऑफ एनी रीजन और एक मतलब जानवर और वेजिटेशंस किसी भी जगह के हैं उनके बीच में एक रिलेशंस uh, बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है द नेचर ऑफ़ प्लांट इन एन एरिया डिटरमाइंस द एनिमल्स लाइफ इन दैट एरिया आर अ लार्ज एक्सटेंट और किसी भी पेड़ पौधे किसी भी जगह के पेड़ पौधे वहाँ की जीव जंतुओं की जीवन के आधार पर एक्सटेंड करती हैं कि वहाँ पर भाई अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ज़्यादा जीव जंतु होंगे भाई वैन द वेजिटेशन आर अल्टर्ड एनिमल लाइफ इज़ सो एफेक्ट अगर वहाँ की वेजिटेशन अल्टर uh, हो रही है या ख़राब हो रही है तो वहाँ की एनिमल लाइफ भी अफेक्टेड होती है द फॉरेस्टेड एरिया इज़ द सुटेबल एंड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल और जो जंगली एरिया होता है ये जानवरों के लिए सुटेबल और नेचुरल हैबिटेट होता है इट प्रोवाइड्स क्योंकि जंगलों से इन्हें क्या क्या मिलता है जैसे फूड एंड वाटर खाने को खाना पानी मिलता है सेल्टर फॉर लिविंग एंड हाइबरनेशन और जैसे कुछ जानवरों को हाइबरनेशन में जाना होता है तो उनको जगह मिल जाती है रहने की प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग द यंग वंस और उनको जगह मिल जाती है कि वो अपने जैसे और भी बच्चे पैदा कर सके स्पेस फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मूवमेंट और उनको जगह मिल जाती है कि वो अपना सही से विकास कर सकें या घूम सकें विद इन अ हैबिटेंट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एज देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और किसी भी हैबिटेंट वे सारे पेड़ पौधे और जैव जंतु तो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं द एनिमल एडजस्ट टू देयर एन्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फिजिकल बिल्ड कलर एंड फूड हैबिट और जो जानवर होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने को मतलब फिजिकल बिल्ड कलर और खाने की आदतों को एडजस्ट करते हैं दिस एडजस्टमेंट इज़ कॉल्ड एडाप्टशन और इस एडजस्टमेंट को हम लोग एडोप्टेसन कहते हैं